आप देख रहे हैं जनमत आवाज। बाढ़ क्षेत्रों का दौरा। बुरहानपुर जिले में दो दिन हुई तेज बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरे जिले में हाहाकार मच गया था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिसके चलते निचली बस्ती में बाढ़ का पानी घुसने से करीब 600 परिवार इसमें प्रभावित हुए। सभी को राहत कैंप में भेज दिया गया था। इसी तत्वान आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से चर्चा कर उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कही। बुरहानपुर जिले में बाढ़ के चलते हुए निचली बस्ती में हालत बद से बदतर हो चुके हैं। इस बाढ़ के पानी से शहर के करीब 600 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने राहत कैंपों में शिफ्ट करने का काम किया था। कई पर तो सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तत्वान बुरहानपुर में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित के लोगों से स्वयं चर्चा कर बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा किस प्रकार की मदद की गई इसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों के मकान के पक्के बन गए हैं, किंतु घर में रखा सामान और अनाज का नुकसान हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करेंगे कि बाढ़ पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है उन्हें नुकसान के स्वरूप मुआवजा दिया जाए, ताकि फिर से वो लोग अपनी गृहस्थी का सुचारू रूप से कर सके। वहीं जब जिला प्रशासन CEO दृष्टि देशमुख से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों की हालत जानने के लिए रात 1:30 बजे VC से, जिसमें समस्त अधिकारी मौजूद थे, सभी को निर्देश किया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरसे और बाढ़ प्रभावितों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं। से लगातार कमिश्नर महोदय पूरे दिन इसको मॉनिटर कर रहे थे। उनका यही था कि कहाँ कहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति तो डेवलप नहीं हुई है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो पूर्णतः एक्टिव था। ADM साहब वहाँ से पूरा मॉनिटर कर रहे थे, हमारे तहसीलदार SDM सभी फील्ड में थे। तो हमने 16 जगह पर बैरिकेडिंग पुल की थी और हमारे 7 ऐसे निचली बस्तियाँ थी जो इसके चपेट में आई थी। मेजरली पॉजिटिव हमारे साथ ये रहा कि कल के बाद से हमारी बारिश थमी हुई है, तो अब जो है लेवल हमारा डाउन हो गया है और इस प्रकार का अभी होने की स्थिति दिख नहीं रही है। फिर भी जो लोग करीब 600 लोग हमारे कल नाइट शेल्टर्स में रुके थे, तो उनके खाने की व्यवस्था आज भी हमने कर दी है। आज मध्यान्ह भोजन के माध्यम से सभी को फूड पैकेट्स बांटे गए हैं। और मुख्यमंत्री जी से कोई विशेष चर्चा नहीं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा थी और पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर ही थे और यही था कि आकलन हम सही कर लें और आगे के किसी भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिसमें कोई दुर्घटना या ऐसी स्थिति का सामना हमको करना पड़े, यही निर्देश थे। प्राकृतिक आपदा है और हम लोगों ने महीना भर पहले का प्रदूषण देखा कि सबदूर फसलें सूख रही थी, सबदूर हाहाकार मच रहा था, पानी ना होने के कारण बिजली का संकट भी निर्मित हो गया था। लेकिन हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई कि मेरे प्रदेश पर कृपा करो, और महाकाल ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी सुना और झमाझम बारिश हुई। लेकिन अब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि सभी दूर नदी नाले उफान पर आए और ये परिस्थिति निर्मित हुई है, क्योंकि किनारे हो जो निवास करते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी तो आती है, लेकिन क्योंकि बाढ़ आई है तो बाढ़ की वजह से लाभ भी है और उसका नुकसान भी है। गरीब लोगों से प्रभावित हुए हैं तो जो गरीब लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन गरीब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारे शिवराज जी की सरकार हमेशा गरीबों के दुख की घड़ी में साथ में खड़ी रही है। तो जो लोग इससे प्रभावित हैं, जिनके अनाज की नुकसानी हो गया, जिसका मकान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सबको पक्की छत का मकान दे दिया, तो इसलिए हम लोगों को कम से कम मकानों का नुकसान ना के बराबर हुआ है, लेकिन जो अनाज वगैरह जो नुकसानी हुई है तो वो नुकसानी का आकलन करेंगे और जिसका जो भी नुकसान होगा उसको सहायता देने के लिए हमारे नगर निगम की महापौर जी भी लगातार कल से सभी जो जहाँ पर पानी भरा निचली बस्तियों में घाटों पर का निरीक्षण भी किया और गरीबों को कोई भूखा नहीं सोए उसके लिए हमारे महापौर जी ने भी चिंता करी। हमारे सभी लगातार सभी के संपर्क में है और जिस तरह से कीचड़ वगैरह दिख रही, इसकी साफ़ सफाई होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन प्रशासन और शासन क्षेत्रवासियों के जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ में। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही थे उनके मकान निर्माणाधीन थे, सारी सामग्री कोई अतिरिक्त उनके लिए थे? मैंने बताया जैसे कि जिसका कोई जो भी नुकसान होगा उसको आकलन करेंगे और जो कुछ हो सकता है
वो शासन की तरफ से सहायता देने के लिए हमारे शिवराज जी ने कल सभी जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क में रहे, और अभी मुझे सीओ मैडम ने बताया कि रात को 1:30 बजे वीसी ली मुख्यमंत्री जी। तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, वो हमेशा गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो यथासंभव होगा पूरी सहायता सरकार की तरफ से दी जाए।